हाथ और मांगती है तुझसे सारी कायनात। हुजूर न हो आपसे प्यार मुमकिन नहीं, खता ऐसी सरकार मुमकिन नहीं, अगर वो बुलाए तो आऊंगा मैं, बने धर्म दीवार मुमकिन नहीं। सबा उनको पहुंचा दे मेरा सलाम, सबा उनको पहुंचा दे मेरा सलाम, अगर उनका दीदार मुमकिन नहीं, अकीदत है इतनी कि अल्फाज में अकीदत का इजहार मुमकिन नहीं। नजर रहमते दो जहां के बगैर सुधर जाए संसार मुमकिन नहीं। हुजूर हुजूर सभी को मालो जर दे दे, सभी को मालो जर दे दे, हर एक नेमत अता कर दे, सभी को मालो जर दे दे, हर एक नेमत अता कर दे, मेरे मालिक मुझे एहसास की दौलत अता कर दे। मैं हर ख्वाहिश हर एक अरमान को कुर्बान कर दूंगा, जो तू मुझको फकत किरदार की अस्मत अता कर दे। मेरी लग्जिश हुजूर, मेरी लग्जिशों पे नजर न कर, मुझे रहमतों से नवाज दे। मेरे लग्जिशों पे नजर न कर, मुझे रहमतों से नवाज दे, बड़ा होगा मुझ पे तेरा करम, तुम मोहब्बतों से नवाज दे। आले जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मुझे मोहब्बतों से नवाज दे, बस मैं यहीं पे आना चाहता था। आज अल्लाह ने रहमतों से नवाजा है, उसकी करम फरमाई है कि ये मोहब्बत करने वाले का एक एक ये क्या है, ये यहाँ पे इस बज़्म में इस इजलास में सारे मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हुए हैं आपके सामने। ये अल्लाह ने आज करम फरमाई की है, रहमतों से नवाजा है, क्योंकि जब भी तौहीद की बात होगी तो मोहब्बत की बात होगी। भाईचार की आलमी भाई, तौहीद की बात जहां पे भी होगी तो मोहब्बत की बात होगी, और वहीं से सिलसिला शुरू होगा। मेरे ऊपर हमेशा तोहमतें रही हैं कि मैंने बात अपने महकमे डंडा महकमे पुलिस महकमे इस महकमे में भी मोहब्बतों की बात, ये तोहमतें आती रही की है। हमेशा शायरी के मौके पे भी यही बात हुई कि आपने बात हमेशा मोहब्बत की है। मैंने हमेशा कहा कि ये मोहब्बत का जज्बा जब तक रहेगा, अल्लाह की कर्म फरमाई वही है, अल्लाह की रहमतें वही हैं, जहां मोहब्बत होगी वहीं रोशनी होगी, रोशनी प्यार की अलामत है, रोशनी के लिए दुआ कीजिए, हमेशा वहीं होगा। तो इस रोशनी को एक मोहब्बत के जज्बे को बचाए रखने के लिए तौहीद की बात है। आलमी भाईचारा अपने आप बना रहेगा जब आप के दिल दिल से मिल जाएंगे, जब आप एक दूसरे को समझ लेंगे, जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, खुद ब खुद अपने आप आपका ईमान मोहब्बत हो जाएगा, आपका मजहब आपके मजाहब सभी एक जगह आके मिलते हैं, वो है मोहब्बत, और तौहीद वही है, तौहीद उसकी बुनियाद है। आप तौहीद की बात करते हैं तो भी बुनियाद की उसकी मोहब्बत है, जकात की बात भी मोहब्बत है, आप रोजे की बात करते हैं वो भी मोहब्बत है, हज की बात करते हैं वो भी मोहब्बत की बात है, उसमें कहाँ कहाँ है, उसमें ना इत्तेफाकी कहीं है ही नहीं, सारी बात मोहब्बतों की बात है, सारी कायनात की बात मोहब्बतों की बात है, कि नफरतों से अलग रास्ता चाहिए। और आज हमको आपकी जरूरत है हुजूर, हुजूर आपकी जरूरत किस लिए है कि सारे जो पैगंबर हमारे आते रहे और पैगाम लाते रहे, लेकिन उनको हमें तो रास्ता दिखाने वाला कोई हो। आज के इस दौर में, इस जरपरस्ती के दौर में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो तो आप दिखा रहे हैं कि नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, और ये अंधेरा ये बेसमतपना सफर, रोशनी चाहिए रहनुमा चाहिए, रोशनी चाहिए ये अंधेरा ये बेसमतपना सफर, रोशनी चाहिए रहनुमा चाहिए। तो जहां जब तक आप जैसे रहनुमा हमारे साथ चलते रहेंगे, आपके नक्शेपा को देख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा मजहब मोहब्बत अपने आप में होगा, दैरो हरम में हम जहां जाएंगे बस तौहीद की एक बात होगी, वही मोहब्बतों की बात होगी, कि हमको नजर अब इस दुनिया के दैरो हरम से क्या नस्बत, हमको नजर अब इस दुनिया के दैरो हरम से क्या नस्बत, सबसे जुदा हम अहले वफा के अपने इबादत खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये अल्लाह ने अल्लाह की करम फरमाई है कि आप तशरीफ लाए और हम सब लोगों को रास्ता दिखाया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब। हजरात, मेरा दिल तो चाह रहा है
लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं, मैं ये जिक्र करता डॉक्टर अली जनाब जाकिर साहब के सामने कि हमारे पास गुरुद्वारा साहब गुरु का ताल से और सीनियर एडवोकेट्स के साथ साथ हमारे पास आगरा के जजेस वगैरह सब तशरीफ फरमाए यहाँ पर, लेकिन फर्दन फर्दन नाम लेना न तो मुनासिब है और ना ही उतना वक्त है। अली जनाब डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ये सवालात का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले मैं आज की इस महफिल के सदर जनाब सैयद मोहम्मद साबिर साहब काजी शहर आगरा को ये जहमत दूँ कि वो अपने कलमात से हमारा हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैरों की तकलीफ की वजह से खड़े होने से माजूर हूँ, अगरचे के अदब के खिलाफ है, मैं भी माइक पर आकर के ही बात कहता। डॉक्टर साहब ने आज हमारी उम्मीदों को इस अंदाज में पूरा किया, ये मजमा बता रहा है, और जैसा कि वकील साहब ने बताया कि बाहर भी इसी अंदाज में लोग हैं, ये जाहिर है शम्मा की कीमत बता रहे हैं कि परवाने कितने हैं। और डॉक्टर साहब से लोग गायबाना तौर से मुतारिफ तो थे ही, और बड़ा अरमान था लोगों का कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं तो बिलमुशाफा मुलाकात भी हो जाए, चेहरा भी देख लिया जाए। मैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मजाहब के तकाबली मताले में, खसूसन इस्लाम और वैदिक धर्म में आपका मताला वाकई बेहद वसी है। आपके बयान से हाजरीन को बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई हैं, खसूसन उन लोगों के लिए आपका बयान बेहद मुफीद है जो हक के मुतलाशी हैं, जो सत्य की तलाश में रहते हैं, हक की तलाश में रहते हैं, उन्होंने यकीन बहुत कुछ हासिल किया होगा। आखिर में मैं तमाम शुरका हजरात की खिदमत में नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अपने आप को बिल्कुल यहाँ से हटा रहा हूँ कोने में, और आपको और डॉक्टर साहब को रूबरू सामने किए देता हूँ। सवालात का सिलसिला जारी रखिएगा। सवाल जवाब शुरू करने के पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन मैं कहना चाहता हूँ। पहला नाम आप कहना, उसके बाद आपका पेशा, आपकी मसरूफियत क्या है। सवाल को मुख्तसर सा रखिए, एक सवाल कीजिए, और एक आखिरी दरखास्त कि हम हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों को पहला हक देंगे पूछने का। जब गैर मुस्लिम दोस्त और भाई हमारे सवालात उनके ख़त्म होंगे, फिर अगर मौका रहा तो मुसलमानों को वक्त दिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हो, भाई और बहन, वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिसकंसेप्शन और इस्लाम, इस्लाम की गलत फहमियाँ या आलमी भाईचारे पे कोई भी सवाल, अगर आपको कुछ इस्लाम के बारे में गलत भी लगता है तो बिना झिझक आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो कोई भी सवाल बिना झिझक, बिना कोई तकलीफ के आप पूछ सकते हैं। मैं आपको वादा देता हूँ कि मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ। पहले हमेशा ख़वातीन को वक्त दिया जाता है, पहले खातून को दिया जाएगा और फिर आपके पास आएगा इंशाल्लाह। यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर नायक नमस्कार, मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मजहब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़